आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी 2020 की सीरीज चल रही है, तो आज हम अपने यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है, कॉमर्स का सेकंड पेपर, उसका जो इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके आज 20 क्वेश्चन यहाँ पे 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन सबने सुना होगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं इसे किस चीज़ को करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज लगती थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती थी। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन में ये कहा गया कि हम पूरे दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और ट्रेड करते हुए हम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो किन किन से रिमूव किया गया, फॉरेन ट्रेड से, बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में फॉरेन ट्रेड के लिए हुआ था, है ना। तो फॉरेन ट्रेड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन कम किए। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो है अपने रिस्ट्रिक्शंस कम किए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज भी हम कर सकते हैं मगर कुछ कंडीशन में कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। भाई, हमने परमिशन लेनी है, प्रायर परमिशन है, अथॉरिटी से परमिशन है, या आप कैनलाइज्ड गुड्स की बात करोगे तो वहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे कैनलाइज्ड गुड्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स जो है वो कर सकते हैं, सभी के लिए कंपलसरी वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से हमें रिस्ट्रिक्शन हमने रिमूव करने की यहाँ पे ट्राई करी थी। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से हमने ग्लोबलाइजेशन के थ्रू रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, सी, बोथ ए एंड बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड। प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप, जो ओनरशिप है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड। जब हम थ्रू इक्विटी शेयर के थ्रू हम लोग जब वो प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं, जब इक्विटी शेयर की बात आएगी ना, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर क्या है, इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन करना इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल जाओगे तो उसे इन्वेस्टमेंट, और इसे क्या कहेंगे, जब इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे तो वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मींस। रिलैक्स करना रिस्ट्रिक्शंस को और कंट्रोल इम्पोज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मींस। ठीक है, तो कंट्रोल करना बिजनेस के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं। देखो, जब हमने एलपीजी पढ़ा होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ आई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों पॉइंट्स हमने पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, अब जब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, ये टीचर थोड़ा लिबरल है, या ये इंसान इस चीज़ के लिए थोड़ा सा लिबरल है, मतलब अपन कहते हैं, या टीचर को कहते हैं कि टीचर थोड़ी सी ना लिबरल चेकिंग करना। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का होता है कि थोड़ी सी छूट या थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हटा देना, थोड़ा सा जो है छूट दे देना, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, लिबरलाइजेशन। तो रिलैक्स जब कर देना रिस्ट्रिक्शंस से, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, लिबरलाइजेशन कर देना। तो आंसर क्या है इसका, ए, लिबरलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड। इनमें से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आपको बताऊं, अपने पास दो तरह के एनवायरनमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी अपने पार्ट हैं उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो सारे आते हैं। एक्सटर्नल में अपने आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में अपने जो छोटे लेवल के अपने जो बिजनेस वाले के हैं वो, और मैक्रो में अपने जो बड़ी बड़ी चीज़ें, हम फैक्टर्स, बड़े फैक्टर देखते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, पॉलिटिकल पॉलिसीज होगी, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी,
या फिर इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है वो सारा देखते हैं, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हम लोग देखते हैं, तो वो सब आते हैं मैक्रो में। तो माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में अपने पास कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, अपने सप्लायर्स आते हैं, अपने क्या नाम है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और हैं कस्टमर्स हो गए, वो सारे आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो अपने पास माइक्रो में कॉम्पिटिटर आता है, बिल्कुल आता है, कस्टमर आता है, बिल्कुल आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज अपना किसमें आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है, किसमें आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज, ठीक है। तो फ्री एंटरप्राइज जो है अपना, उसको कैसे, मतलब उसको क्या कहते हैं, डैश इज ए इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज पे, ठीक है। देखो तीन तरह की चीजें होती है, एक होता है लिबरलाइजेशन, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एंड एक होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन होता है ये हमने, मतलब इन्हीं से ना थोड़े थोड़े पार्ट निकले हुए हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इनमें से ही अपने पास पार्ट निकले हुए हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म वो चीज़ है जब हम अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा प्राइवेट बंदों को दे दें, ठीक है, प्राइवेट पर्सन को दे दें, कि उसमें कोई भी सरकार दखल नहीं देगी, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है टोटली कैपिटलिज्म, और एक होता है जिसमें मिक्स्ड कैपिटलिज्म हम जिसे कहते हैं, कि उसमें एक में जब टोटली कैपिटलिज्म में होगा उसमें सरकार बिल्कुल भी दखल नहीं देगी आपके बिजनेस में, मगर अगर पार्शियल कैपिटलिज्म की बात करें तो पार्शियल कैपिटलिज्म में क्या है, उसमें कुछ परसेंट सरकार दखल देती रहेगी कि आपकी पॉलिसीज क्या सही काम कर रही हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें, तो कुछ पॉइंट में सरकार जो है इसमें करती रहती है, ठीक है, ठीक है। तो सोशलिज्म में क्या होता है, जब पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल या कोई भी हर एक बिजनेस एरिया सब कुछ उसमें, चाहे बिजनेस एरिया हो, चाहे वो सर्विस एरिया हो, वो कुछ भी हो, जो भी काम होगा वो सरकार की मर्जी से होगा, ठीक है। जैसे भी रिसेंट का एग्जांपल लेना तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में सोशलिज्म है, ठीक है, वहाँ पे ड्यूरिंग अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा इंडिया का और चाइना का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बॉर्डर्स पे, उस वजह से, या यूं कह लो कि कोरोना जो भी फैला हुआ है उसकी कोई डिटेल बाहर ना आए, इसलिए चाइना ने अपने देश में फेसबुक, ट्विटर या जितने भी और सोशल ऐप्स हैं, सोशल साइट्स हैं, उन सबको बैन कर दिया है, ठीक है, उन सबको बैन कर दिया है। अब जब बैन ही कर दिया तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल नहीं सकती, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सोशलिज्म में, सब कुछ सरकार के हिसाब से चलेगा। एक मैगजीन में मैंने कहीं पढ़ा था कि सरकार ने ही एक टाइम पे वहाँ पे 1.5 लाख लोगों को, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि किसी प्रोडक्ट के ना प्राइस इंक्रीज हो गए थे, तो वो सभी के सभी लोग ना, एसेंशियल गुड था, और वो सभी के सभी सड़क पे आ गए थे। अब सड़क पे आ गए तो वो सरकार के खिलाफ हैं, ठीक है, वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने उनको समझाया, नहीं माने, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जस्ट रोड रोलर मंगवाया और 1.5 लाख लोगों को कुचलवा दिया। तो ये सोशलिज्म का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है जिससे हमारे पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर सोसाइटी में, हर सेक्टर में पड़ता है, ठीक है, ये होता है सोशलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया में गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी, मतलब पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, मगर कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्टर में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जैसे आप रेलवे में काम नहीं कर सकते, है ना, रेलवे में आप अपना इंडस्ट्री नहीं खोल सकते रेलवे के अंडर, या आप एटॉमिक सेक्टर में अपना कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये जो रेलवे और एटॉमिक है, ये दोनों में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, है ना, कि ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। दूसरा, या कोई भी अगर आप पब्लिक, इनके अलावा इन दो सेक्टर के अलावा भी आप किसी में और में काम करना चाहते हो, तो उसमें भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। जैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर दूसरे महीने चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज को कंटिन्यू चेंज करती रहती है, ताकि जो है
इक्विलिब्रियम बना रहे ताकि कोई किसी को लूटे ना। मतलब अब प्राइवेट होगा, अब कैपिटलिज्म में क्या था, अगर प्राइवेट होगा तो वो अपने आप बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन करते, और कंपटीशन करते 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 या तो प्रोडक्ट की, देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो हमें अच्छी मिलेगी लेकिन क्या होगा, या तो रेट बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर रेट, या फिर होगा रेट कम भी हो सकते हैं, रेट इंक्रीज हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम, रेट कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम। तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप नहीं बना सकते, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी आई और इसको यहाँ पे लाया गया ताकि जो प्राइवेट पर्सन है और जो गवर्नमेंट पर्सन है उन दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो अब बाकी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। डैश इज एन इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज। ठीक है, अब फ्री एंटरप्राइज मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का दखल नहीं होगा, तो उसका वो किसमें होता है, अपना कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपना कैपिटलिज्म। आंसर क्या है इसका, ए। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहीं प्रॉब्लम है तो बताएं कमेंट करके, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, आपको मैं हल्का सा बताऊं, अगर हम ट्रेड थ्योरीज की बात करें तो हमने इसमें 11 थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक पैराडॉक्स भी अपना होगा। ठीक है, तो इसमें अपने कितने जो है, कितनी थ्योरीज होती हैं, अपने 11 थ्योरीज होती हैं और एक पैराडॉक्स होते हैं। ठीक है, अब 11 थ्योरीज है कौन कौन सी। एक तो है मर्केंटलिज्म, जिसमें क्या था, गोल्ड के रिजर्व को हम लोग मेंटेन करते रखते थे, और कंटिन्यूसली ये कहते थे कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ और इम्पोर्ट को कम करो। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो एक्सपोर्ट को एनकरेज करते थे और इम्पोर्ट को डिसनकरेज करते थे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या हुआ अपना मर्केंटलिज्म, दूसरा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में क्या था, ये दिया किसने था, पहली बात एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, इनके नाम जो है ना, जिन्होंने दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नाम है ना वो मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन में आते हैं और कुछ खास नहीं आता क्वेश्चन में, या उसका नाम आएगा या उसका हल्का फुल्का मीनिंग आएगा, तो मीनिंग तो बड़े इजी है, इनके नाम थोड़े से हैं जो याद करने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो जो दूसरा था वो क्या है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, वो दिया था एडम स्मिथ ने। तीसरा है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान रखना है, पहला है अपने पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, दूसरा है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, ये किसने दिया था, ये दिया था अपने को डेविड रिचार्डो। ठीक है, डेविड रिचार्डो ने ये दिया था। कॉस्ट एडवांटेज में क्या कहते हैं, जिसकी जिसमें ज़्यादा बेनिफिट वो उतने में काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल लो कि इंडिया और यूएसए, इंडिया को ना एक जो है लैंड पे काम करने के लिए, या यूं कह लो उसको वीट उगाने के लिए, ठीक है, 5 लेबर लगते थे, 5 लेबर लगते थे उसको 1 केजी उगाने के लिए, और यूएस को लगते थे 10 लेबर, ठीक है, वीट के लिए, या वीट के लिए। अगर आप बात करें अब राइस के लिए, तो इंडिया को, अब राइस की बात करें तो इंडिया को 10 मेंबर लगते थे या 10 लेबर लगते थे, और अमेरिका को या यूएस को 5 लगते थे। तो देखो अब अपने को इंडिया को फ़ायदा किसमें है, इंडिया को फ़ायदा तो इसमें है ना। तो अब क्या होगा, ये जो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि आपको जिस जिस कंट्री को जिस चीज़ में फ़ायदा हो वो काम उसमें करे। ठीक है, तो इंडिया काम करेगा किसमें, वीट में, वीट को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और राइस को क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा। क्योंकि इम्पोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि जो यूएस है, यूएस को तो राइस में फ़ायदा है, तो राइस में वो ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएगी ना, तो वो एक्सपोर्ट करेगी, यूएस इधर एक्सपोर्ट करेगी और इंडिया इधर एक्सपोर्ट करेगी। डन, चलिए, तो पहला अपना हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, मैं हल्का का नाम बताऊंगा अभी, और थोड़ा करते हुए अभी जब पूरा थ्योरीज वाला करेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हल्का का मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, दूसरा है कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिचार्डो ने दिया था। इसमें क्या कहा था, जिसकी जिसमें ज़्यादा जिसकी जिसमें मतलब कम डिसएडवांटेज है ना जिसमें, वो काम करेगा। फैक्टर में फैक्टर प्रोपोर्शन आता है, फैक्टर प्रोपोर्शन एली हैचकर और बर्टिल ओहलिन ने दिया था, एली हैचकर और बर्टिल ओहलिन ओहलिन जिसमें हम लोग अभी तक क्या था, जो दो पहले वाली 3 पढ़ी ना वो तो थी ट्रेडिशनल थ्योरी, और इसके बाद जितनी भी आएंगी वो है सारी मॉडर्न थ्योरी। तो एली हैचकर और बर्टिल ओहलिन ने दिया था। इसमें 2 × 2 × 2 करके चलते हैं, मतलब 2 कंट्री 2 कमोडिटी एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अपना जो है ये 4th थ्योरी ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोपोर्शन की। उसके बाद
एक पैराडॉक्स आता है जो पैराडॉक्स इसके अगेंस्ट में था, ये दिया था अपने को लियोनटिफ ने, वैसे ही लियोनटिफ ने न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन है, न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन में वहाँ पे हम 2 × 2 × 2 लेके चल रहे थे, अब क्या होगा 2 × 2 × 2 + 1, प्लस वन कैसे, टू कंट्री टू कमोडिटी टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल के साथ क्वालिटी भी देख लेंगे, यहाँ पे क्वालिटी भी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो न्यू फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन है वो अपना ये था, उसमें क्वालिटी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है अपनी कंट्री सिमिलरिटी की, जितनी कम कंट्री सिमिलर होंगी उतना उनमें ज़्यादा ट्रेड होने के चांसेस होंगे, ठीक है। ये किसने दिया था अपने को, लिंडर ने, स्टेफन बी लिंडर, ठीक है, स्टेफन बी लिंडर, लिंडर से नाम याद करके रखना। फिर आते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी, अब ये न्यू ट्रेड थ्योरी थी, इसमें इसको दिया था अपने को पॉल क्रुगमैन ने, ठीक है, पॉल क्रुगमैन ने दिया था। ये कहता था जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं ना तो अपने को पर कॉस्ट उस पर अपने को इकोनॉमीज मिल जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, जब अपना पढ़ते हैं हम लोग मार्केट्स पढ़ लो या हम लोग कर्व्स पढ़ते हैं, कॉस्ट कर्व्स पढ़ते हैं, रेवेन्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जितना हम काम करते चलते हैं तो उससे हमको बेनिफिट मिलता चलता है पर कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने बात करी थी कि इसमें हमको इकोनॉमीज मिलती चलती है, तो इसमें दो चीज़ें थी कि एक तो मार्केट जो एक्सपोर्टर होगा वो आगे जाके एक इम्पोर्टर बन जाएगा, ठीक है, इम्पोर्ट करवाने लगेगा अच्छी चीज़ें। और एक और चीज़ थी इसमें मार्केट शिफ्टिंग का, ठीक है, मार्केट शिफ्टिंग मतलब वो मार्केट को ही शिफ्ट कर लेगा अगर जब उसका लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, पहले क्या था कंपेरेटिव एडवांटेज, वो किसने दिया था, डेविड रिचार्डो ने। ये क्या है कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज किसने दिया था अपने को, ये दिया था अपने को माइकल पोर्टर ने, ठीक है, कंपेटिटिव एडवांटेज। और इसको क्या कहते हैं, डायमंड मॉडल। अब देखो माइकल पोर्टर, हैरी पोर्टर, माइकल पोर्टर, हैरी पोर्टर डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, डायमंड मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमंड मॉडल के नाम से सीधा सीधा आएगा, और डायमंड मॉडल कहते हैं कि इसमें अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, ठीक है। इसके बाद एक दो तीन थ्योरी और हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। एक तो अपनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, ये दी थी अपने को हल्बर ने। और एक थी अपनी थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, रेसिप्रोकल डिमांड पे एक क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है। दी किसने थी, जेएस मिल ने, ठीक है, जे एस मिल ने दी थी हमको ये रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन वापस आते हैं, क्या कहता है द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय। अब मैंने सब कुछ बता दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज देखो, एब्सोल्यूट एडवांटेज अपने को किसने दिया था, सबसे पहले वाली थ्योरी कौन सी थी, मर्केंटाइलिज्म, उसके बाद आई थी एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, आंसर क्या इसका सी, ठीक है। मैंने आपको सारी थ्योरीज करवा दी हैं, वीडियो पॉज करके आप चाहे लिख लीजिए, चाहे फिर इसको मतलब सुन के अपना लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कॉन्टिन्यू, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस। अब आपको बताऊँ ब्रेटन वुड ट्विंस जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद दो कंट्री के, एक यूएस का और जर्मनी के दो बंदे आए, कौन कौन, एक तो आए अपने केन्स, हम लोग ने इनका नाम इकोनॉमिक्स में सुना होगा, ठीक है, एक आए केन्स और एक आए डेक्स्टर। इन दोनों ने मिलके ब्रिटन वुड ट्विंस जो जगह है यूएसए में वहाँ पे एक मीटिंग करी, और वहाँ उस मीटिंग का जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट निकला था दो जो है अपने इंस्टीट्यूशंस जो उसका था रिजल्ट निकला था, ठीक है। तो वो दो इंस्टीट्यूशंस थे कौन से, वो इंस्टीट्यूशंस थे, एक था अपना IBRD और दूसरा इंस्टीट्यूशन था अपना IMF, ठीक है। तो आंसर क्या इसका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, इसमें हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड अगेन इट्स नेम, ठीक है, ये इसमें से कौन सा अपने नेम के साथ नहीं मैच करता, एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंगस्ट ऑल एशियन कंट्रीज, ठीक है, नहीं, क्योंकि वो जो अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं करता था वो एक्चुअली में ना अपने जो भी स्टेबिलिटी या ग्रोथ बना के रखता था, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी अमंग सिर्फ मेंबर्स के साथ, ठीक है, ऑल एशियन कंट्रीज के साथ नहीं, जो उसके मेंबर्स हैं सिर्फ उसके, ठीक है। एशियन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है,
एशियान के ना, एशियन के 10 मेंबर्स हैं, इनके 10 मेंबर्स में आपको एक ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ। आई एम पी एस मतलब आई एम प्रभु शंकर लिव इन थाईलैंड, ठीक है। आई एम प्रभु शंकर लिव इन थाईलैंड। देखो अब आई एम मतलब आई एम प्रभु शंकर लिव्ड इन थाईलैंड, आई मतलब इंडोनेशिया, एम मतलब मलेशिया, पी मतलब फिलीपींस, एस मतलब सिंगापुर और टी मतलब थाईलैंड, ठीक है। आई एम प्रभु शंकर लिव्स इन थाईलैंड, ठीक है। ये पांच जो थे कंट्रीज, ये फाउंडिंग फादर थे, ठीक है। इसके बाद जो पांच इन्होंने बाद में करी, उनका क्या नाम था, उनका ना उनकी मेट्रिक है जो अपन बाद में है, वो क्या है, बी वी लाओ लाओ एम कॉम, ठीक है। बीवी लाओ एम कॉम, ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रिक सी है। तो बीवी क्या है, बीवी मतलब ब्रूनल ब्रेन, ठीक है। उसके बाद वी मतलब वियतनाम, लाओ मतलब लाओस, एल ए ओ एस लाओस ही हो जाएगा, ठीक है, लाओस। एम कॉम मतलब, एम मतलब म्यांमार और कॉम मतलब कंबोडिया, ठीक है। तो ये पांच कंट्रीज ये वाली हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था एशियान को, ठीक है। तो एशियान के अपने 10 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और उसके पांच जो आए थे वो आए थे ब्रूनेल, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है। चलिए एशियान, तो एशियान क्या है, इसके साथ नहीं करता, तो ये होगा अपना गलत। IMF टू रिमूव अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो रिमूव करता है अनफेवरेबल बैलेंस और पेमेंट को और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिल्कुल सही है ये। सी WTO क्या करता है, डज नॉट अलाउ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि वो WTO जो अपनी ट्रेड है उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। सार्क एनकरेजेस ट्रेड बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज, बिल्कुल ये ट्रेड करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, ए, ठीक है, आंसर क्या है इसके पास, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, IMF का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि वो इसका IMF का काम ही यही है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कहते हैं, टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही, बैलेंस बना के रखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। टू फाइनेंस प्रोडक्टिव एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि जो पीस है, पीस टाइम रिक्वायरमेंट में जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है अपने को, कौन कराता है, वर्ल्ड बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नाम और है उसका, जल्दी बोलो, IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर, IBRD, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अपने पास ये जो वर्ल्ड बैंक है वो पीस के टाइम पे प्रोवाइड कराता है अपने को, पीस के टाइम पे जो है वो पैसा प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन आएगा, सॉरी रेगुलेटरी वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सॉरी मिस्टेक हो गई हमें, ठीक है। तो टू फाइनेंस प्रोडक्टिव, ये चीज़ गलत है। उसमें डी है, टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या ये करवाता है, बिल्कुल एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में करवाता है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स All goods exported and imported are recorded in। अब अपने पास ना दो तरह के, जब अपना BOP पढ़ते तो BOP जब हम करते तो उसमें दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, एक अपने पास आता है कैपिटल अकाउंट और एक आता है अपने पास करंट अकाउंट, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ चीज वो सारी सारी चीज़ वहाँ पे पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब अपना इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में दो होते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट में दो होते हैं। करंट अकाउंट में दो कौन से होते हैं, एक होता है अपना विजिबल और दूसरा होता है अपना इनविजिबल, ठीक है। विजिबल में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स इन गुड्स की, सिर्फ गुड्स की जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। इनविजिबल में किसकी बात करते हैं, इनविजिबल में बात करते हैं हम सर्विसेज की, ठीक है, फैक्टर इनकम या फिर जो हमने पेमेंट करनी है वो, और तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर की, ठीक है। तो ये अपने किस में आते हैं, करंट अकाउंट में।
उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अपने दो तरीके के होते हैं, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। और तीसरा आता है अपने पास एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, तो एरर एंड ओमिशन में हम लोग जो भी जितना हम बना नहीं पाते हैं अकाउंट्स, इसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं। क्योंकि ट्रेड करते हैं तो कुछ तो होता है, लोग ना डाटा ही सही नहीं देते हैं। ठीक है, करप्शन बढ़ा हुआ है तो डाटा सही नहीं देते, तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट ना अपने पास एक प्रोविज़न बना लेती है ताकि उसको सेट ऑफ करा जा सके, ताकि उसको ना एक लेवल पे लाया जा सके अपना। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन, किसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम किसमें करते हैं, विजिबल अकाउंट्स में। ठीक है, तो जो भी अपने एक्सपोर्ट होते हैं या इम्पोर्ट होते हैं उसको हम किसमें करते हैं, विजिबल अकाउंट में। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको करंट अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। और विजिबल में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात करते हैं। जब तो जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात आ रही है तो वो विजिबल हुआ ना। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। मैच करते हैं, वर्ल्ड बैंक कब आया था, IFC कब आया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कब आया था, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कब आया था। ठीक है, तो इसका ना बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक है। वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक मीटिंग ब्रिटेन वुड में मीटिंग कब हुई थी, 1944, 1944 में मीटिंग हुई थी, और एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1945 में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक कब आया था, 1944 में। ठीक है, चलो IFC, FC 56, FC 56, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC 56। 56 मतलब 56, 56 का मतलब 56, मतलब 56 में आया था वो। ठीक है, आईडीए कब आया था, आईडीए आया था अपना 1960 में। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कब आया था, 1966 में। ठीक है, तो IFC का अपनों अपने को याद हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक को अपने को याद हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का याद हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अपनी रिजल्ट थे, इंटरनेशनल सॉरी IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये दोनों के दोनों उसके पार्ट थे। तो ये 1944 में मीटिंग हुई थी और 1945 में एग्जिस्टेंस में आए थे। अगर यहाँ 1945 होता तो 1945 करना था हमने। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी 1960, इसको याद करना पड़ेगा, हो जाएगा, तीन चार बार हम पढ़ेंगे ना अच्छे से तो हो जाएगा। डेवलपमेंट बैंक 1966, तो इसका आंसर क्या है, 1234, 1234, तो ऑप्शन में क्या है अपना, ये ए। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंट्री हैज़ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर एक कंट्री का डेफिसिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी, तो कैपिटल अकाउंट का क्या होगा बैलेंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो हम लोग पॉजिटिव में जाके इसको सेट ऑफ करते हैं, है ना, जब कैपिटल अकाउंट से हमारा जो बैलेंस है वो निकाल के इधर करते हैं। देखो बैलेंस अपना दो तरीके का होगा, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो पैसा पड़ा है उसको लेके आएंगे और सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी भी पैसा कम पड़ गया और नेगेटिव बैलेंस है तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व बना के रखती है वहां से पैसा निकालेंगे, सेट ऑफ करेंगे अभी भी। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस है तो हम IMF के पास जाएंगे, कहेंगे भी IMF जी हमें लोन दो, ठीक है हमारा तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब नेगेटिव बैलेंस आया पड़ा है। लेकिन अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले IMF की पेमेंट करेंगे। ठीक है, फिर अगर पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व जो हमने रिजर्व बना रखा है ऑफिशियल रिजर्व गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। रिजर्व कौन मेंटेन करता है, RBI मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये था, ये सारा बता दिया, और BOP भी हमारा अपना रिवाइज हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है इसका, आंसर तो देखा ही, आंसर क्या है, आंसर आएगा इसका अपना सरप्लस। ठीक है, सरप्लस कैसे, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव में ना तो सरप्लस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व करेंसीज एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अवेलेबल फॉर द फाइनेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज। अपने को क्या होता है, जब हम लोग बनाते हैं हमको RBI को क्या करना होता है, गोल्ड रखने पड़ते हैं, फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं, रिजर्व करेंसीज रखनी पड़ती हैं। ठीक है, SDRs रखनी पड़ती हैं। तो ये जब सारा का सारा हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे ये सारा रखना पड़ता है, इसको हम कहते क्या हैं, तो इसको कहते क्या हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहते हैं। चलिए तो आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल रिजर्व्स आर कॉम्प्रोमाइज
सॉरी कंप्राइज्ड ऑफ गोल्ड एसडीआर एंड डैश फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अभी मैंने ऊपर अपन ने डिस्कस किया फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व्स में करते हैं तो क्या करते हैं, गोल्ड करते हैं, एसडीआर करते हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो नॉन कन्वर्टेबल होनी चाहिए या कन्वर्टेबल, सेमी कन्वर्टेबल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो फॉरेन करेंसी है या जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपने पास कन्वर्टेबल इन नेचर। ठीक है, तो आंसर क्या इसका बी, क्यों कन्वर्टेबल इन नेचर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट तो कर सकें एटलीस्ट, वो नॉन कन्वर्टेबल होगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब पैसा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ एफडीआई, क्या कौन सा इनमें से एफडीआई का फॉर्म नहीं है। ठीक है, नॉट पढ़ना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, नॉट की वजह से क्वेश्चन सारा गलत हो सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ एफडीआई। ठीक है, इनमें से एफडीआई कौन सा नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, क्या फॉरेन करेंसी में जो एग्जिस्ट करती है असेट, क्या उसको परचेज करना एफडीआई नहीं है। बिल्कुल है सर, क्योंकि करते ही हैं फॉरेन करेंसी में, जब हम लोग जाते हैं फॉरेन में तो उनके जो भी एग्जिस्टिंग असेट्स हैं उनको परचेज करना ही तो हमको वो एफडीआई कहलाती है। ठीक है, फॉरेन करेंसी में तो न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल है सर,